क्या इंडस बैटल रॉयल BGMI और फ्री फायर जैसे गेम्स की एरा में सर्वाइव कर पाएगा? काफी लोगों का मानना है कि इंडस बैटल रॉयल का फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं है बिकॉज ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स BGMI एंड फ्री फायर। ये दोनों गेम्स अभी के टाइम के सबसे टॉप बैटल रॉयल गेम्स है एंड इनकी पॉपुलैरिटी और इनके ऑडियंस के बारे में तो हम लोग अच्छे से जानते ही हैं। तो क्या एक इंडियन गेम इंडस बैटल रॉयल हमारे इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है? आइए जानते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडस बैटल रॉयल के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडस बैटल रॉयल आखिर किस थीम पर बेस्ड है जो इसे बाकी गेम से अलग बनाता है। सो बेसिकली ये एक साइंस फिक्शन थीम पर बेस्ड है, जहां इनके मैप एरियाज एंड लोकेशंस एंड गन्स को एक साईफाई सा लुक दिया गया है। इसे इंडिया के गेमिंग स्टूडियो सुपर गेमिंग ने बनाया है और इसे पूरी तरह से इंडियन गेमर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। खास बात यह है कि इसमें आपको इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री की भी झलक देखने को मिल जाती है, जो इसे बाकी बैटल रॉयल गेम से अलग बनाती है। अब सवाल उठता है कि क्या इंडस बैटल रॉयल पबजी और फ्री फायर जैसे पॉपुलर गेम्स को रिप्लेस कर पाएगा? देखा जाए तो पबजी और फ्री फायर ने इंडियन मार्केट में एक लंबे समय से राज किया है, लेकिन इंडस की यूनिक थीम और इंडियन टच इसे एक न्यू अट्रैक्शन देती है। गेम का फ्यूचर बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि डेवलपर्स नए फीचर्स मैप्स एंड अपडेट्स के साथ कैसे इसे गेमर्स के लिए इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं। इसके अलावा ये गेम मोबाइल एंड पीसी दोनों प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल होगा, जो इसे एक बड़ा प्लस पॉइंट देता है। गेमर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस होने की वजह से ये पॉसिबल है कि इंडस एक बड़ी प्लेयर बेस को अट्रैक्ट कर सकेगा। सो बात कर लेते हैं कि इंडस बैटल रॉयल आखिर किन फीचर्स की वजह से ज्यादा हाईलाइट हो सकता है। न्यू अवतार्स एंड स्किन्स। इंडियन हिस्ट्री से इंस्पायर होकर न्यू कैरेक्टर्स एंड स्किन्स इस गेम को और अट्रैक्टिव बना सकती है। रेगुलर टूर्नामेंट्स एंड ई-स्पोर्ट्स। अगर गेम बड़े लेवल पर ई-स्पोर्ट टूर्नामेंट्स को प्रमोट करता है तो ये गेम और भी ज्यादा पॉपुलर बन सकता है। इंडस बैटल रॉयल सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि ये इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। अब तक इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री ज्यादातर विदेशी गेम्स पर डिपेंडेंट रही है, लेकिन इंडस ने ये साबित किया है कि इंडियन डेवलपर्स भी टॉप क्लास गेम्स बना सकते हैं। तो गाइस, इंडस बैटल रॉयल का फ्यूचर तो सही दिख रहा है, लेकिन ये बहुत हद तक गेमर्स के रिएक्शंस एंड डेवलपर्स के इनोवेशन पे भी डिपेंड करेगा। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या इंडस बैटल रॉयल हमारे इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को एक न्यू लेवल पर ले जा सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में।